फाइनली हेडफोन ले लिया, मेरा ड्रीम हेडफोन, लेट्स गो, अब मजा आएगा गेमिंग में। क्या लेके आया है? अरे हेडफोन लेके आया हूँ मैं नया। कितने का? 20,000। 20,000? आखिर ऐसा क्या है इस 20,000 की गेमिंग हेडफोन्स में? आज हम देखते हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हर्ष खोल रहा है, और आज हम लोग खोल के देखने वाले हैं इस रेजर ब्लैक शार्क V2 Pro 2023 को। जैसे मैंने इसका बॉक्स देखा ना, वैसे ही मैं समझ गया भाई ये कुछ तो क्वालिटी चीज है अंदर, बिकॉज द पैकेजिंग इटसेल्फ इज सो प्रीमियम। मेरे को अपने पेरिफेरल बॉक्सेस को रखना पसंद है, तो इसलिए मेरे को बॉक्स भी ज्यादा मैटर करता है, और भाई ये बॉक्स तो एकदम टॉप नॉच है। मैंने सिर्फ अब तक ये हेडफोन को वीडियोस में ही देखा है यूट्यूब पे, आज फॉर द फर्स्ट टाइम IRL देखने वाला हूँ, तो आओ इसे खोलते हैं और देखते हैं ये हेडफोन आखिर में है कैसा। ब्रो वाओ, इसका पैकेजिंग एकदम क्लीन एंड सिंपल है भाई, इधर ही हेडफोन दिया है सामने। वाओ, फिर उसके अंदर कुछ वायर है, और इसी बॉक्स में मिलता है इसका माइक। कितना क्लीन दी ये रेजर वाला डोंगल रखा है, देखो ये डोंगल है एक्चुअली, एंड देयर यू गो, ये है डोंगल अपने हेडफोन का। ये केबल एक्चुअली इसकी चार्जिंग केबल है भाई, केबल की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि रेजर है भाई। इसको रखता हूँ साइड में, अभी देखते हैं मेन माल। ओह माय गॉड, द हेडफोन भाई, हेडफोन कितना क्लासिक सा है और कितना प्रीमियम लुक है इसका। मेरे को इसके लुक के वजह से लगा था ये हैवी रहेगा, बट असल में ये काफी लाइट है। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत सुपर्ब लग रहा है। ऑलराइट, आई एम वेयरिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। भाई इसका नॉइस कैंसिलेशन बहुत क्रेजी है भाई, इसका फिट बहुत ज्यादा परफेक्ट है, मेरे को लिटरली इसको एडजस्ट करने अभी नहीं पड़ा, पहनते साथ इसका समझ रहा है कि नॉइस कैंसिलेशन कितना परफेक्ट है। बाकी के जो हेडफोन्स होते हैं उनका टेक्सचर देखो कान पे कैसा अलग सा फील होता है, इसका बहुत कंफर्टेबल और काफी ऐसा सॉफ्ट फील हो रहा है, और भाई कैमरा में भी क्या मस्त लग रहा है। कैप्टन रेडी टू टेक ऑफ, एक्सक्यूज मी कैप्टन, कैप्टन रेडी टू टेक ऑफ। भाई कंफर्ट के मामले में मेरे को बहुत परफेक्ट लग रहा है ये हेडफोन। इसके हाइट एडजस्टमेंट्स के लिए ये जो साइड में दिया गया है ये बहुत इजी टू यूज है, ऐसा दिखने में लगता है कि कितना मिनिमल काम है तो ये तो टूट जाएगा, बट नहीं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे और उन्होंने भी यही सेम चीज कही, क्योंकि जनरली इसका बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है, काफी फ्लेक्सिबल हेडफोन है, तो तुम्हारा हेड साइज काफी आराम से ये ले लेगा, देख रहे हो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है ये। कुछ हेडफोन्स पहनने के बाद उनका थोड़ा सा पार्ट मेरे कान को हमेशा लगता था, जिसकी वजह से ओवर द टाइम गेमिंग में ना मेरा कान दर्द होता था, बट विद दिस हेडफोन आई डोंट थिंक सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज उसका जो ईयर कप है वो काफी ज्यादा बड़ा है, एंड जो ईयर कप का कुशन यूज किया है वो बहुत सॉफ्ट है। ईयर कप्स के ये जो फोम्स है ये मेमोरी फोम्स है, इसका मतलब कितना भी इसको दबाओ इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ये हेडफोन में रेजर का ट्राइफोर्स टाइटेनियम 50mm का ड्राइवर यूज करा गया है। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस हेडफोन इज चार्जिंग के बाद तुम इसको 70 घंटे तक यूज कर सकते हो, 70 आवर्स ऑफ बैकअप, इसका मतलब तुम 3 दिन तक नॉनस्टॉप अगर चलाओगे तो ये चलते रहेगा। एंड रेजर के जितने भी वायरलेस प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए उनके बैटरी का प्रॉब्लम मेरे को जरा भी नहीं आया, डे 1 से जैसी बैटरी है उसकी वैसी ही मेंटेन्ड है आज तक। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस हेडफोन इज इट हैज ब्लूटूथ इन इट, इसका मतलब तुम इसको पीसी से कनेक्ट कर सकते हो डोंगल से, एंड एट द सेम टाइम ब्लूटूथ ऑन करके इसको अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हो, तो मतलब मैं अभी जिम पहन के जा सकता हूँ इसको, क्योंकि मंडे से जिम चालू करने का ना वापस। चल झूठा। मैंने एक्चुअली अभी इसको टेस्ट किया जिसमें मैंने पीसी में भी कनेक्ट किया है एंड फोन में भी, तो फॉर एग्जांपल अगर तुम कुछ तो एडिट कर रहे हो हैवी और तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे को एक रील भेजी है जो कि तुम बिना हेडफोन के नहीं सुन सकते, सिंपली एक क्लिक में ये ब्लूटूथ पे स्विच हो जाएगा एंड तुम फोन पे वो जो रील देखोगे उसका ऑडियो तुम्हारे कान में आएगा। ये हेडफोन में यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया गया है जिसको दबाते साथ तुम्हारे प्रीसेट्स कुछ चेंज हो जाते हैं इक्वलाइजर के, जैसे मैं पहन के जब ये दबाता हूँ तो वैसे ही एक दीदी उस अंदर से बोलती है Valorant Music, वो मैं अभी सुना नहीं सकता इसलिए तुमको डेमो दे रहा हूँ। बेसिकली एक क्लिक पर जो तुमने सेव किए इसके इक्वलाइजर सेटिंग्स तुम्हारे रेजर के सॉफ्टवेयर में, एक क्लिक में वो साइकिल होते रहेंगे और तुम उसको सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो हमें इस हेडफोन में ऑलरेडी बिल्ट इन एक ई-स्पोर्ट्स का भी प्रीसेट मिलता है, जिसके अंदर हम लोग Apex Legends, Valorant ऐसे अलग अलग गेम्स का प्रीसेट चूज कर सकते हो जस्ट विद दिस सिंगल बटन। अभी हम लोग इस हेडफोन के माइक को टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैंने सुना है पब्लिक बोलती है इसका माइक बेस्ट है, तो अभी जो मेरा साउंड आ रहा है वो इस माइक से आ रहा है।
अभी हम लोग चेक करेंगे इस माइक पे इन 3, 2, 1। तो अभी जो मेरी आवाज आ रही है वो आ रही है इस मेजरिस्टिक माइक से, तो मुझे बताना जरूर कि आवाज कैसी आ रही है। लेट मी नो कि ये कैसा साउंड लग रहा है। मैं अभी बहुत लाउडली बात कर रहा हूँ, तुम लोगों को तो पता है मैं लाउडली बात करता हूँ। आई ऑल्सो टेलिंग यू गाइस कि मैंने उसमें कोई फिल्टर नहीं लगाया, अभी कुछ नॉइस गेट नहीं चालू, कोई सप्रेशन नहीं चालू, ना कोई नॉइस गेट चालू है। Razer Synapse में इसका इंप्रूव क्लैरिटी, नॉइस रिडक्शन और ऐसे कई और ऑप्शन दिए गए इसका माइक क्वालिटी और इंप्रूव करने के लिए। भाई ये माइक यूज करने के लिए मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम पीसी में ये हेडफोन कनेक्ट किया और फिर मैंने ऐसे ही क्यूरियोसिटी में मैंने वैलोरेंट चालू किया। भाई मेरे को काफी बेस हेवी साउंड आ रहा था, मैं बोला यार इसमें तो फुटस्टेप्स घंटा नहीं सुनाई देंगे। That's when I realized मेरा जो मोड है वो म्यूजिक पे सिलेक्टेड है, तो इसका बटन 2-3 बार दबा के मैंने इसके मोड को गेम पे शिफ्ट किया और उसके बाद भाई जो ऑडियो आया है खतरनाक, इधर उधर का हर जगह का फुटस्टेप्स मिल रहा है मस्त। और फिर मैंने ट्राई किया इसका म्यूजिक मोड, भाई मजाक से हटके बता रहा हूँ, I'm not exaggerating, ऐसा लगा कि भाई एक अलग डायमेंशन खुल गया है। ऐसा लग रहा है भाई कहाँ से आवाज आ रही है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है इतना क्लियर, वो अलग ही फील दे रहा था भाई। बहुत क्लियर साउंड है इसका, मिड हाइज लोज इतने अच्छे से कंट्रोल किए है ना, लाइक लिटरली जस्टिफाई करता है इस हेडफोन का प्राइस। मतलब स्पोर्ट्स लेवल वाला हेडफोन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गेमिंग ही अच्छा है इसमें, बट भाई म्यूजिक सुनने में भी मजा आ रहा है मजबूत। टोटली वर्थ इट भाई, टोटली वर्थ। यहाँ पे माइक के लिए और एनहांसमेंट्स दिए गए हैं, जहाँ पे वोकल क्लैरिटी, माइक नॉइस कैंसिलेशन, वॉल्यूम नॉर्मलाइजेशन दिया गया है। अगर तुम माइक नॉइस कैंसिलेशन यूज करते हो तो अगर तुम्हारे बैकग्राउंड में फैन चल रहा है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे चुटकी बजा रहा हूँ तो एक हल्की सी आवाज तुम्हें आती रहेगी इसकी, बट व्हेन आई डू दिस वो आवाज कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुकी है। यहाँ पे तुम अलग अलग प्रीसेट्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। 1, 2, 3 माइक चेक, हेलो, अभी मैं एक ब्रॉडकास्ट में बात कर रहा हूँ और अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा हूँ, और ये है हमारी डिफॉल्ट वॉइस। इस हेडफोन में स्टीरियो के साथ हमें मिलता है THX स्पेटियल ऑडियो का एक ऑप्शन। ये मोड स्पेशली FPS गेमिंग के लिए बना है। इस मोड में तुम्हारे हेडफोन में कुछ ऐसे ट्वीक्स हो जाते हैं जिससे तुम एनिमी की पोजीशन पिन पॉइंट एक्यूरेसी से बता सकते हो। भाई लेजिट ये मेरा ड्रीम हेडफोन था। बिग थैंक्स टू Razer फॉर सेंडिंग दिस हेडफोन ओवर। अगर आप में से कोई सोच रहा है ये हेडफोन लेने से पहले 50 बार, तो मेरे भाई 5 बार भी सोच मत, क्योंकि ये वर्थ बाइंग है। और ये स्पोर्ट्स हेडफोन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गेमिंग के लिए ये अच्छा है, बट भाई म्यूजिक के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एट द सेम टाइम इट इज वेरी स्टाइलिश, क्लासी एंड मेजरिस्टिक। तो जरूर चेकआउट करना Razer Black Shark V2 Pro 2023, लिंक सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और तुम्हें इस हेडफोन का बेस्ट फीचर कौन सा लगा जरूर कमेंट्स में बताना, एंड इफ यू गाइस आर यूजिंग दिस हेडफोन एज वेल लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, मिलते हैं हर्ष खुर्राय के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।